स्टूडेंट्स आई एम निमशा सहर यूर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्रामोरिया डॉट पी के स्टूडेंट्स लेट नंबर फिफ्टी ऑफ योर बुक दैट इज कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं ये डिस्कस करते हैं कि आपके पाकिस्तान के अंदर कुछ मेजर केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें से स्टूडेंट्स थ्री मेजर इंडस्ट्रीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को जब भी डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो फ़र्टिलाइज़र्स होते हैं ये ज़रूरी होते हैं सॉइल की फ़र्टिलिटी के लिए यानी कि स्टूडेंट्स बेसिकली आपके जो ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स होते हैं वो तो सॉइल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्टूडेंट्स इंक्रीज़ इन डिमांड की वजह से ये होने लगा कि आपने क्रॉप को ज़्यादा यील्ड करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स क्रॉप यील्ड को इन्हेंस करने के लिए आपने क्या करना शुरू किया कि आपके पास जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स के अंदर डेफिशिएंट थी आपने उसके अंदर फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि फ़र्टिलाइजर्स उस सॉइल के अंदर इनकोपरेट करने शुरू कर दिए ताकि स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी सॉइल इतनी फर्टाइल हो सके कि वो कोई भी क्रॉप यील्ड अच्छी कर सके तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मेन मकसद था कि आप क्यों फ़र्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं किसी भी सॉइल के लिए यानी कि सॉइल लैंड के लिए देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इन्हीं फर्टिलाइजर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इनहेंस कर लेते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स दे आर द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द दॉयल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम मेनली स्टूडेंट्स आपके पास न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन एलिमेंट्स में अगर लैक कर रहे हो तो आप फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं और स्टूडेंट्स सॉइल को प्रोवाइड करते हैं टू तो मेकअप देयर डेफिशियज अब स्टूडेंट्स बात होती है आगे फर्टिलाइजर्स की तो जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर एज माइक्रो न्यूट्रंट विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर द ग्रोथ प्लांट्स आर एज माइक्रो न्यूट्रं स्टूडेंट्स ये जो माइक्रो न्यूट्रं होते हैं आपको सिक्स टू टू हंड्रेड ग्राम्स पर एकड़ की रेंज में चाहिए होते हैं आपकी सॉइल को जबकि जो माइक्रो न्यूट्रेन होते हैं वो 5 टू 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम पर एक करके क्वांटिटी से चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है जिनके फर्टिलाइजर्स को बेसिकली हम स्टडी करेंगे दैट आर नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास एक अच्छे फर्टिलाइजर की क्वालिटीज क्या होती हैं इट शुड बी सॉल्युबल इट शुड बी इजी टू एसिमिलेट बाय प्लांट्स इट शुड बी शुड नॉट बी इनजुरस टू प्लांट इट शुड बी चीव इट मस्ट बी स्टेबल इट मस्ट नॉट अल्टर द पीएच ऑफ द सोइल देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास रूट्स कैसे एसिमिलेट कर रही होती हैं एफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्लासिफाई करते हैं फर्टिलाइजर्स को वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स देन देन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपके आपके पास आते हैं, phosphatic fertilizers, then आपके पास आते आते हैं हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स सबसे पहले स्टूडेंट्स चलते हैं हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन एसेंशियली प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपकी सोइल को स्टूडेंट्स याद रखिए

कि इसको आप इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं विद दैट ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड इट कंटेन्स अबाउट थर्टीन परसेंट नाइट्रोजन एंड फोर्टी फोर परसेंट पोटैश दिन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं एसेंशियल इंडस्ट्रीज को इन द फॉर्म ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स आपके पास सीमेंट आता कैसे है स्टूडेंट्स आपके पास जो सीमेंट है ये देखा गया कि जब आप लाइम को और क्ले को मिक्स करते हैं विद दैट ऑफ वाटर तो आपके पास एक ऐसे सॉलिड मैस में सेट हो जाता है दैट रिजेंबल्स पोर्टलैंड रॉक यानी कि स्टूडेंट्स हम जो सीमेंट एसेंशियली स्टडी कर रहे होते हैं वो आपके पास होता है पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं द मटीरियल ऑप्टेन बाय बर्निंग एन इंटरमीट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस कैलकेरियस मटीरियल स्टूडेंट्स वो होते हैं दैट हैव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सिलीकेट्स और स्टूडेंट्स या उनकी सोल्ट होती हैं आर्जिलेशियस मटीरियल वो होते हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम सिलिका और आयरन की ऑक्साइड्स या उनकी सोल्ट प्रेजेंट होती हैं एट हाई टेम्परेचर इनको जब आप ट्रीट करते हैं तो क्लिंकर फॉर्मेशन होती है क्लिंकर को जब आप पाउडर करते हैं तो आपके पास सीमेंट प्रोड्यूस होता है रॉ मटीरियल जो आप सीमेंट

हीट कर रहे होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो ड्राई कंडीशंस होती हैं उसमें आपको ग्राइंडिंग ज्यादा करनी पड़ती है फाइव स्टेजेस होती है, grinding, kill, product, हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मिक्सिंग द मटेरियल इन अ करेक्ट प्रोपोर्शन हीटिंग द प्रिपेयर्ड मिक्सचर इन अ रोटरी केल ग्राइंडिंग द हीटेड प्रोडक्ट नोन एज क्लिनकर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट विद जिप्सम याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप रॉ मटेरियल को लाइमस्टोन और क्ले की फॉर्म में यूज करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में यूज करते हैं और जो मटीरियल स्टूडेंट्स उसकी मिक्सिंग से प्रोड्यूस होता है विद वाटर उसको आप स्लरी कहते हैं आप स्लरी को स्टूडेंट्स आप रोटरी किन से पास आउट कराते हैं जिसके अंदर फोर टेम्परेचर स्टेजेस होती हैं जिससे गुजरता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रोटरी किल में अपने रॉ मटेरियल को पास करने का ये मकसद होता है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन डीकंपोज होकर कैल्शियम की ऑक्साइड जनरेट करें एंड देन फर्दर वो ऑक्साइड रिएक्ट करें और जनरेट करें कैल्शियम सिलिकेट कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम फेराइट देन स्टूडेंट्स आप

जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं रॉ मटेरियल के अंदर से अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पूरा प्रोसेस है पेपर मैन्युफैक्चर का उसमें सबसे पहले कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल होती है देन स्टूडेंट्स आप ड्राई क्लीनिंग करते हैं एयर के थ्रू वेट क्लीनिंग करते हैं वाटर के थ्रू स्क्रीनिंग में मैग्नेटिक सेपरेशन होती है उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप स्टोन को रिमूव कर लेते हैं क्लीनर्स के थ्रू डाइजेशन होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास एक टैंक होता है टेन मीटर्स जिसकी लेंथ होती है उसमें से स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग होती है उसी के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि सोडियम सल्फाइड को ऐड करते हैं उसके बफर सॉल्यूशन को

ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं ताकि आपका पेपर ब्राइट हो जाए यूजिंग क्लोरीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड इन डेफिनेट कंडीशन उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि वाटर के साथ ट्रीट करते हैं ताकि जो आपका एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए पेपर देन स्टूडेंस आप क्या करते हैं स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट में से अपना सारा मटीरियल गुजारते हैं जहां पे आपके मटीरियल की स्लरी क्रिएट होती है उसकी केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसिंग होती है एंड देन स्टूडेंट्स उसकी बीटिंग हो रही होती है बाय द यूज ऑफ एडिटिव ताकि वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और देन स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होते हैं उसको पेपर